brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मैं प्रार्थना करूं कि सारे जो है तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे हो, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का भला कर सके। धूप से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो सारे दिन गर्मी में रहते हैं। जब मैं पोलो खेलता हूं तो गर्मी में धूप में वो अंदर नहीं खेलते, घोड़ों के ऊपर बैठना, बाहर खेलना, फैक्ट्री में जाते हैं, जगह जगह जब काम के लिए जाते हैं। मैं हरियाणा का छोरा तो हुई और लेकिन हम अलग अलग समय के ऊपर हम अलग अलग रोल निभाते हैं। कहीं पर मैं बेटा हूँ, कहीं पर मैं पिता हूँ, कहीं पर मैं उद्योगपति हूँ, कहीं पर मैं जनता का सेवक हूँ। पूर्व सांसद और जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल इस वक्त अपने प्रचार पर निकले हैं, कुरुक्षेत्र के गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए सर, आपकी फिटनेस का राज क्या है, क्योंकि तापमान काफी बढ़ रहा है और आप स्लिम ट्रिम इतने सालों से नजर आते हैं। देखिए, ये एक तो ईश्वर का वरदान है और दूसरा जो है मैं अपने मंदिर रूपी शरीर का मैं ख्याल रखता हूँ। इसके अंदर क्या डालना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब पीना है, और फिर रेगुलर एक्सरसाइज करना। और फिर धूप से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो सारे दिन गर्मी में रहते हैं। जब मैं पोलो खेलता हूँ तो गर्मी में धूप में वो अंदर नहीं खेलते, घोड़ों के ऊपर बैठना, बाहर खेलना, फैक्ट्री में जाते हैं, जगह जगह जब काम के लिए जाते हैं। और यहाँ का इलाका तो मुझे इतना लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, इतना आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो गर्मी बिल्कुल फील नहीं होती। अभी गर्मी में भी जैकेट भी पहन रखी है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ लोगों का। आप खुद को उद्योगपति मानते हैं, हरियाणा का छोरा? देखिए, मैं हरियाणा का छोरा तो हुई और लेकिन हम अलग अलग समय के ऊपर हम अलग अलग रोल निभाते हैं। कहीं पर मैं बेटा हूँ, कहीं पर मैं पिता हूँ, कहीं पर मैं उद्योगपति हूँ, कहीं पर मैं जनता का सेवक हूँ। तो इसलिए जहाँ अलग अलग दिन में अलग अलग हम रोल निभा रहे होते हैं, मैं किसी भी रोल को मतलब पूरा गंभीरता से नहीं लेता। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अगर हम कहीं रामलीला में हनुमान जी का रोल अदा करें और सारे दिन वो हनुमान बना रहे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हम दिन में कई हम रोल अदा करते हैं और जिस समय जिस रोल के अंदर मैं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं अपना भूमिका ठीक ढंग से निभाऊं। सर, आपने जिस पार्टी को अभी हाल ही में ज्वाइन किया है उसमें तो भगवान राम और रामायण की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भूमिका है। ये जो भगवान राम है ये हमारी आस्था से जुड़े हैं और लोगों का एक विश्वास है। बचपन से जो है हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश में, हम तो सबेरे जो है अपने माँ बाप को भी राम राम बोल करके ही हम जो है उनको ग्रीट करते हैं। तो इसलिए सब लोगों की एक आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और इससे हमें बल मिलता है। जब हम ईश्वर को मानते हैं, किसी भी ईश्वर को माने हम, चाहे वो हम राम को माने, चाहे वो हम ईसा मसीह को माने, चाहे वो अल्लाह को माने, चाहे वाहेगुरु को माने, तो हमें उनसे बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम मानवता की सेवा करें। हर मानव जो है वो ईश्वर का ही रूप होता है। आप दो बार सांसद रह चुके हैं और पहले आपने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, आपके बार भारतीय जनता पार्टी में आए, कोई खास वजह, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व या पार्टी की नीतियाँ? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है और आज जहाँ पर मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया है और हमें सपना दिखाया है कि विकसित भारत बनाने का, तो मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहता, मैं इस जिद में नहीं रहना चाहता कि भाई मैं एक पार्टी में हूँ। मैं उनका और उनके सभी साथियों का मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं अपने विकसित भारत के सपने को, हम अपने विकसित भारत के सपने को साकार करें। आपने कहा पार्टी से बड़ा देश होता है और देश का जो तिरंगा है उसका नहीं, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, थोड़ा उसको बता दीजिए। देखिए, मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था 1990 में, आज से 35 वर्ष पूर्व, सो उस समय जो है मैंने देखा कि अमेरिकन्स बहुत गर्व से अपने घरों में अमेरिका का झंडा लगाते हैं। तो मुझे उस समय, मैं 20 साल का था, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर भारत का झंडा लगाऊंगा। तो अमेरिका में मेरे को अमेरिकन दोस्त ने भारत का झंडा भेंट किया और मैंने अमेरिका में भारत का झंडा लगाया। जब मैं वापस देश आया 92 में और 26 जनवरी 1993, आज से 31 वर्ष पूर्व मैंने झंडा फहराया, तो वो पुलिस ने आकर के झंडे को उतरवा दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सिवर 22 साल का था, कि मैंने कहा अमेरिका में तो मैंने भारत का झंडा लगा रखा था और मैं अपने ही देश के अंदर अपने ही देश का झंडा नहीं दर्शा सकता। तो फिर मैंने इसके लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें 10 साल लगे और फिर 10 साल के बाद 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि झंडा दर्शाना, झंडा फहराना,
ये हमारी वाक और अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग है और ये हमारा एक संविधानिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो 23 जनवरी 2004 के बाद हर नागरिक हर रोज दिन रात अपने देश के झंडे को दर्शा सकता है, उसे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकता है। तो मेरा यही मानना है और यही मेरा मिशन है कि हर घर हर दिन हम तिरंगा लगाएं। जिस सपने को साकार करने के लिए पिछले साल माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने भी एक अभियान चलाया था जिसके अंदर हर घर तिरंगा, तो उसमें हम, मेरा यही कैंपेन है कि हर दिन तिरंगा हर घर तिरंगा, हम तिरंगे झंडे को, अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को, हम उसको दर्शाएं और से प्रेरणा लेकर हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। अगर मैं अपना काम अच्छे से करूं, ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। आपने पिछली बार तो चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, हर पार्टी का कैडर वोट होता है, अब आप भाजपा में आ गए, इसके भी अपना कैडर वोट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा जो स्विच आपने किया उसका बेनिफिट मिलेगा आपको? देखिए, यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे हमारा 30 साल पुराना लोगों से रिश्ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। पहले पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे और 30 सालों से हमारा यहाँ पे लोगों से रिश्ता है, तो लोग यहाँ पर जो है मुझे प्यार करते हैं और मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए बहुत से लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज एक सुनहरा मौका है कि हम देश को विकसित देश बनाने का, देश को आगे बढ़ाने का, और वो माननीय मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व हमें दिया है उसके पीछे सब लोग जुड़ रहे हैं। और लोग ये भी जानते हैं कि नवीन जिंदल जो है राजनीति करता है लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, और वो सिर्फ यहाँ पर विकास करना चाहता है, तो इसलिए बहुत लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है और इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं भी है, सरस्वती नदी का उद्गम यहाँ से देखा गया था, या फिर कुरुक्षेत्र की बहुत सारी मांगे हैं, क्या करना चाहेंगे कुरुक्षेत्र के लिए? देखिए, कुरुक्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम हमने किया है, बहुत कुछ काम करना बाकी है। देखिए, विकास तो कभी बंद नहीं होता, विकास हमेशा निरंतर जारी रहता है, तो सरस्वती नदी के ऊपर भी काम चल रहा है, उसके ऊपर और काम करने की आवश्यकता है। कुरुक्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से इसको जो है और ज़्यादा विकसित, बहुत से प्रोजेक्ट्स अभी काम चल रहा है, उनको और तेज़ी से करने की आवश्यकता है, वो सब काम हो जाएंगे। यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है रेलवे का, जिससे जो भी फाटक आते थे, 4-5 फाटक आते थे शहर के अंदर, वो सब फ्री हो जाएंगे, तो बहुत सा काम चल रहा है। और एजुकेशन की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम है, तो इसलिए और यहाँ पर जहाँ अलग अलग गाँव में, 900 से अधिक गाँव हैं, अलग अलग गाँवों के अंदर, अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों की ज़रूरतें हैं, उसके अनुरूप हमने लोगों से बहुत से सुझाव मांगे हैं और उन सुझावों के बुनियाद पर हम एक विकसित कुरुक्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे लोगों के सुझावों के बाद, और उसको फिर उसको हम उसका क्रियान्वयन भी करेंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, अब की बार का टारगेट क्या है और चुनौतियां क्या है? देखिए, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर भाजपा जीतेगी, क्योंकि हरियाणा एक छोटा सा प्रांत है अगर आप कंपेयर करें दूसरे प्रांतों के साथ, और हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं और एक तरफा चलते हैं, अभी कुछ भी आपको दिखाई दे लेकिन आप देखेंगे कि अंत में जैसे ही यहाँ पर मोदी जी आएंगे और मोदी जी अपनी बातों को कहेंगे, तो जो लोग अनडिसाइडेड हैं वो सब जो है माननीय मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो सब जो है एक तरफा होकर के 10 की 10 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अब हरियाणा में कुछ संदेश दे दीजिए सर। हरियाणा में मैं हरियाणा के सारे लोगों ने मैं प्रार्थना करूँ कि सारे जो है ताम सारे भारतीय जनता पार्टी ने वोट दे हो, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का भला कर सके। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में बहुत विकास के काम हुए हैं, पूरे देश में बहुत विकास के काम हुए हैं, और जद आप चाहवा कि अपना देश जो है एक विकसित देश बने, तो सारे मिलकर पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर जो है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के आप भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आओ, ताकि अपना देश भारत एक विकसित देश बन सके। राम राम।
ये थे पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल, जो खुद को हरियाणवी छोरा मानते हैं। उन्होंने हरियाणवी में भी लोगों को संबोधित किया, कहा कुरुक्षेत्र को विकसित करने के लिए उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। उनके मुताबिक विकास बहुत ज्यादा हुआ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें हरियाणा से जीती थी, लेकिन अब की बार चैलेंज बढ़ा है, एंटी इनकम्बेंसी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचा सकती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र।